हेलो स्टूडेंट्स, आज 12 का फर्स्ट क्लास है और इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ना है यानी सिलेबस बतलाऊंगी। इसमें आप लोगों को सेकेंड ईयर में पढ़ना है इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी का कुछ भाग और वेस्टर्न का, और थर्ड पार्ट में है इथिक्स एंड अप्लाइड फिलॉसफी। तो पहले आ जाइए कि भारतीय दर्शन में आप लोगों को क्या पढ़ाई करना है। पहला है भारतीय दर्शन की प्रकृति और संप्रदाय यानी नेचर एंड स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उसमें आप लोगों को दो चैप्टर हैं। पहला है नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन की प्रकृति, और दूसरा है कतिपय मौलिक समस्याएं, सम बेसिक प्रॉब्लम। दूसरा चैप्टर है भगवत गीता का दर्शन। इसमें आपको कर्मयोग, स्वधर्म और लोक संग्रह तीन चैप्टर हैं। फिर थर्ड इकाई में है आपका बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य पढ़ना है, अष्टांगिक मार्ग पढ़ना है और प्रतीति समुत्पाद। जैन दर्शन में अनेकतांतवाद और सह्यादवाद। उसके बाद आपका फोर्थ इकाई है न्याय वैशेषिक और सांख्ययोग दर्शन। इसमें आप लोगों को न्याय दर्शन पढ़ना है, योग दर्शन पढ़ना है और सांख्य दर्शन पढ़ना है, वैशेषिक दर्शन पढ़ना है। उसके बाद पांचवा इकाई में अद्वैत वेदांत है। इसमें सेल्फ, नेचर ऑफ सेल्फ यानी आत्मा का स्वरूप, नेचर ऑफ एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म का स्वरूप, और नेचर ऑफ वर्ल्ड यानी जगत का स्वरूप पढ़ना है। ये है इतने जो चैप्टर मैंने बताए वो है इंडियन फिलॉसफी के। अब वेस्टर्न फिलॉसफी में आ जाइए। वेस्टर्न फिलॉसफी में फर्स्ट चैप्टर है नॉलेज एंड ट्रूथ। इसमें आप लोग को रेशनलिज्म यानी बुद्धिवाद और दूसरा अनुभववाद पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर है कांट का समीक्षात्मक दर्शन। अब नेक्स्ट यानी सेवंथ इकाई में आप लोगों को कार्य कारण सिद्धांत पढ़ना है, कारण का स्वरूप, और दूसरा चैप्टर है अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद। उसके बाद आप लोगों को एक कारण कार्य संबंध के तीन सिद्धांत हैं, पूर्ववर्तीता सिद्धांत, नियमितता सिद्धांत और अनुक्रमता सिद्धांत। तो कारण कार्य सिद्धांत के ये तीनों रूपों का पढ़ाई करना है। उसके बाद आ जाइए परमात्मा का स्वरूप, नेचर ऑफ रियलिटी। और इसमें दो चैप्टर है, पहला तो नेचर ऑफ रियलिटी है और दूसरा है आर्गुमेंट ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण। इसमें तीन थ्योरी है, सत्तामूलक युक्ति, परियोजनात्मक युक्ति और विश्व मीमांसा युक्ति। इन तीनों सिद्धांतों को पढ़ना है। अब आ जाइए नेक्स्ट है यानी नाइन्थ चैप्टर है, उसमें आपको वस्तुवाद और प्रत्ययवाद यानी रियलिज्म और आइडियलिज्म पढ़ाई करना है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रियलिज्म और आइडियलिज्म यानी वस्तुवाद और प्रत्ययवाद, और दूसरा है मन शरीर समस्या यानी माइंड बॉडी रिलेशन। और इसके बाद नेक्स्ट आता है टेंथ इकाई है, उसमें आप लोगों को नीति शास्त्र और समाज दर्शन, भारतीय और पाश्चात्य यानी इथिक्स एंड सोशल फिलॉसफी, तो इंडियन में क्या मत है और उसका वेस्टर्न में क्या है, ये दोनों आप लोगों को पढ़ना है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है शुभ और उचित का संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड राइट। नेक्स्ट है साध्य साधन संबंध, इंड्स मीन रिलेशनशिप। उसके बाद है संकल्प स्वतंत्रवाद और नियतत्ववाद
यानी फ्री विल एंड डिटर्मिनेशन, ये पढ़ाई पढ़ना है। और दूसरा लास्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड के क्या सिद्धांत हैं, इसको आपको पढ़ाई करना है। और एक आता है अप्लाइड फिलॉसफी, जिसमें आप लोगों को पर्यावरण से संबंध, पशु जगत, वनस्पति जगत और पर्यावरण पर इनका क्या असर पड़ता है, इनके नहीं रहने से हमें क्या हानि पहुंचती है और पर्यावरण विश्व के लिए कितना ज़रूरी है, इन सभी बातों का वर्णन उसमें होता है। वो 10th नंबर का होता है, उसको हम अप्लाइड फिलॉसफी बोलते हैं। तो आप लोगों को 12th में इतना चैप्टर पढ़ना है। और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी पढ़ाई करना है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बतला दूं कि नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन की क्या प्रकृति है। तो भारतीय दर्शन की प्रकृति यानी नेचर को समझने के पूर्व हमें दर्शन शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक होगा। दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। इसलिए दर्शन की परिभाषा दृश्यते अनेनम इति दर्शनम के रूप में दी जाती है, अर्थात दर्शन वह है जिससे देखा जाए। देखने के लिए जैसे आँख की आवश्यकता होती है, अतः दर्शन ज्ञान प्रदान करने वाली आँख है। ज्ञान एक व्यापक है शब्द है, जिसमें हम ज्ञान वह क्रिया है जिसमें हम किसी विषय को जानते हैं। विषय अनंत है, माने असंख्य है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्य, प्रकृति, विश्व, मनुष्य आदि सभी ज्ञान के विषय में हैं। इन सब के विषय में या तो हमें सत्य ज्ञान मिलती है या असत्य। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, सत्य और असत्य, अथवा यथार्थ और अयथार्थ। सत्य ज्ञान यथार्थ होता है क्योंकि वह विचार और वास्तविकता दोनों में संगति बनाए रखता है, और अयथार्थ या असत्य ज्ञान वह है जहाँ विचार और वास्तविकता में असंगति होती है। जैसे यदि मैं अभी कलम का विचार करूं, तो कलम वो हमारे विचार में भी सही है और उसके अनुरूप विश्व में कलम मिलती भी है। लेकिन यहीं पर मैं कामधेनु गाय के विषय में सोचूं, तो यह जो है सो विचार और वास्तविकता में संगति नहीं है, क्योंकि आज ऐसा कोई भी गाय नहीं मिलता है। तो यह जो ज्ञान है अयथार्थ और असत्य ज्ञान है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। अभी इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे के वीडियो क्लास में मैं नेक्स्ट के विषय में बताऊंगी। थैंक यू।